261 दिन की लड़ाई और उसके बाद भी इंसाफ की अब तक उम्मीद नहीं। यूपी के उन्नाव रेप कांड को लेकर इस वक्त देश में गुस्सा है। गुस्सा इसलिए क्योंकि रेप पीड़ित एक साल तक बीजेपी के विधायक से लड़ती रही लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हुई। इस बीच पिता की भी संदिग्ध मौत हो गई। सीबीआई ने जांच शुरू की, तब जाकर 261 दिन के बाद आज सुबह सेंगर को रेप के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। ये तीन तस्वीरें आपके सामने हैं। 261 दिन की लंबी लड़ाई, पिता की इस दौरान मौत भी हो गई और अब जाकर आरोपी बीजेपी विधायक की गिरफ्तारी हुई है, वो भी तब जब सत्ता में बैठे लोग लगातार उसे बचाने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि मीडिया का दबाव पड़ा, मामला जब काफी उछला और इस बात की उम्मीद जगी पीड़ित परिवार को कि अब उनकी लड़ाई में इंसाफ का दिन करीब आ रहा है, जब सत्ता पक्ष में बैठे लोगों को लगा कि 2019 उनके लिए महंगा पड़ सकता है इस पूरे मामले पर, तब जाकर नींद खोली है और आज आरोपी बीजेपी विधायक कुलदीप सेंगर को गिरफ्तार किया गया है। पिछले साल पीड़िता ने पुलिस में शिकायत की थी लेकिन तब से लेकर अब तक कुलदीप सेंगर लगातार बचता चला आ रहा था। हालांकि मीडिया में जब ये मामला प्रकाश में आया उस समय भी उसने अपने बचाव में तमाम दलीलें रखी सामने। निम्न स्तर तक का इस्तेमाल उसने इन शब्दों का किया पीड़ित परिवार के लिए। इस बीच जरा उस परिवार के बारे में सोचिए जिसने इतनी लंबी लड़ाई लड़ी, पिता की मौत भी हो गई, उन बेटियों के ऊपर क्या गुजर रही होगी। लेकिन आज आरोपी बीजेपी के विधायक की गिरफ्तारी हो गई है। उन्नाव गैंगरेप कांड को लेकर यूपी पुलिस कैसे हाथ पर हाथ धरे रही, इसका एक और सबूत एबीपी न्यूज के हाथ लगा है। 6 अप्रैल को जब कुलदीप सिंह सेंगर के भाई अतुल सिंह ने पीड़ित के पिता की पिटाई की तो उसके चाचा मदद के लिए डीजीपी को भी उन्होंने फोन किया था। तब फोन उन्होंने नहीं उठाया लेकिन उनके स्टाफ ने कॉल बैक किया। पीड़िता के चाचा ने उन्हें घटना की पूरी जानकारी दी, सब कुछ बताया लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। हेलो हेलो जी सर, कोई फोन किया था क्या डीजी साहब को? जी सर। क्या नाम है आपका? पता बताओ सर। वैसे तो मैं दिल्ली में रहता हूँ, व्यापार करता हूँ, लेकिन जो मूल मेरा निवास है ग्राम पोस्ट माखी थाना माखी जनपद उन्नाव। पता है क्यों फोन किया था? सर मैंने फोन इसलिए किया था, सर कुलदीप सेंगर ने 4/6/2017 को मेरी भतीजी के साथ रेप किया था। कुलदीप सेंगर कौन है? विधायक हैं जी इस समय प्रेजेंट टाइम। किस पार्टी के हैं? भाजपा से हैं जी, पहले सपा से थे, जब विधायक रेप किया था सपा से विधायक थे। आपकी बहन से रेप किया था? मेरी भतीजी से। भतीजी? हाँ, नाबालिग थी। उम्र कितनी है इसकी? 16 साल। अभी प्रेजेंट में? प्रेजेंट में। कहाँ पर? ग्राम पोस्ट माखी थाना माखी में अपने निवास पे। वहाँ निवास पे क्या करने गई थी? पड़ोस में घर है सर मेरा। हाँ। तो सर उसकी लिखा पढ़ी हम लोगों ने सारे शासन स्तर पे की, मुख्यमंत्री साहब के सामने भी पेश हुए थे। तो उसमें जांच चल रही थी लेकिन FIR नहीं लिखी गई सर। हाँ? तो जांच चल रही है सर, FIR नहीं लिखी गई। हाँ। सर हम लोग कोर्ट चले गए, 156(3) कोर्ट में डाल दिया कि कोर्ट के द्वारा FIR लिखाते हैं। कल मेरा भाई दिल्ली से माँ की दवा लेके घर गया माखी, आज वो पहुंचा था वहां पे घर पे। चूंकि 156(3) का 10 तारीख को फैसला आने वाला है तो आज कुलदीप सेंगर के भाई अतुल सिंह व अन्य 10-15 लोग नाजायज असलहों समेत मेरे घर पे चढ़ाई की, मेरी माँ को मारा, मेरी भाभी को मारा, छोटे छोटे बच्चे हैं 8-9 साल की लड़कियां हैं उनको मारा, उनको पटका और मेरे भाई को उठा ले गए और उसको बहुत मारा सर, वो बेहोश हो गया। फिर सर मैंने माखी थाना फोन मिलाया, SO साहब ने सुनवाई नहीं की तो सर मैंने CO साहब को फोन मिलाया। CO साहब ने फोन करके फिर उसको जो है बेहोशी की हालत में वहां से विधायक जी के जो है घर से उसको उठा के लाए थाने में, और मैंने सर कई फोन कर लिए कि उसको हॉस्पिटल भेज दीजिए, उसको हॉस्पिटल भेज दीजिए, लेकिन SO साहब हॉस्पिटल उसको नहीं भेज रहे हैं। फिर मैंने अपनी फैमिली को DM साहब के पास भेजा, अभी SP साहब के पास बैठी हुई है मेरी फैमिली, 6 बजे से इंतजार करिए सर SP साहब का, SP साहब बंगले के अंदर हैं, वो मुलाकात नहीं कर रही है। उस समय मुकदमा नहीं लिखा गया था? उस समय सर मुकदमा नहीं लिखा गया, थाने गए, SP साहब के पास गए, सब जगह गए सर, हर जगह गए हैं लेकिन मुकदमा नहीं लिखा गया सर। हेलो, बात करते हैं अभी थाना प्रभारी से। जी सर।
सत्ता में बैठे लोगों के साथ लड़ाई कितना मुश्किल होता है 261 दिन इसकी गवाही दे रहा है। आपको यह भी बताते चलें कि डीजीपी वही ओपी सिंह हैं, कल उन्होंने रेप के आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर को माननीय कहकर संबोधित किया था। जैसा कि आपको बताया गया, हम लोगों ने जो माननीय विधायक के विरुद्ध जो बलात्कार का आरोप लगाया गया है, जो चार्ज एक्यूज को भी सम्मान अगर दे रहे हैं आप विधायक होने के कारण, तो मैं समझता हूं कि कोई नहीं, अभी दोषी नहीं करार किए गए हैं। वो एक आरोप लगाया है और उस आरोप की जांच, उसकी विवेचना हमने सीबीआई को दे दिया है और सीबीआई अब उसको गुण दोष के आधार पर निर्णय लेगी कि उसे गिरफ्तार उनको गिरफ्तार करना है या नहीं करना है। सत्ता की यह हनक है जिसके चलते खाकी भी उसके प्रभाव में है। सेंगर की गिरफ्तारी से पीड़ित परिवार को फिलहाल कुछ राहत मिली है, इंसाफ की उम्मीद जगी है। सुनिए पीड़ित की बहन इस पूरे मामले में क्या कह रही हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है पीड़िता की बहन। बड़ी खबर ये आई है कि विधायक कुलदीप सेंगर गिरफ्तार हो गए हैं, पहली प्रतिक्रिया लेंगे, थोड़ा सा आगे आ जाइए। ये बताइए कि क्या आप खुश हैं, उनकी गिरफ्तारी हो गई है? जी सर, हम खुश हैं। हम हमेशा से सीबीआई जांच मांगते थे, अच्छा। लेकिन हमको मिली नहीं थी सर। अब लगता है कि आपको इंसाफ मिल पाएगा, जाँच सही तरीके से? अब तो लगता है, लगने लगा है कि मुझे इंसाफ मिलेगा, लेकिन अभी उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए अभी मुझे जानकारी नहीं। अच्छा, ये बताइए सजा किस तरह की चाहती हैं और क्या क्या चीजें निकालनी चाहिए? अब सीबीआई की ने गिरफ्तार कर लिया, क्या क्या पूछा जा रहा है? यही सजा चाहेंगे कि हो सके तो इनको फांसी की सजा हो, ऐसे षड्यंत्र रचने वालों को और हमारे पापा को मारने वाले। पीड़िता को आपने बताया कि गिरफ्तारी हो गई है, वो क्या कह रही है? अभी भी मुझे पता नहीं, अभी आप ही लोग बता रहे हो। जी सर, हमारे चाचा को पता होगा, अभी कहीं गए हैं कोई काम। सीबीआई आपसे कोई टाइम लिया है जांच के लिए? सर हमसे तो नहीं लिया, लेकिन हमारे चाचा से लिया होगा। तो ये इनका कहना है कि खुशी है और कम फांसी होनी चाहिए और कड़ी से कड़ी सजा हो। कैमरा पर्सन वरुण के साथ जावेद मंसूरी, एबीपी न्यूज उन्नाव। उन्नाव रेप केस में योगी अपने बीजेपी विधायक को बचाने के आरोपों से घिरे। जो अब किया वो पहले भी कर सकते थे, पहले जांच करा सकते थे, सीबीआई को जांच दे सकते थे, लेकिन किरकिरी के बाद योगी को वो सब करना पड़ रहा है जो पहले उन्हें कर दिया जाना चाहिए था। अब योगी कह रहे हैं कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। सरकार के संज्ञान में मामला आते ही 9 तारीख को हमारे संज्ञान में मामला आया था। हम लोगों ने तत्काल एसआईटी गठित करके इस मामले में कार्रवाई प्रारंभ की। एसआईटी की रिपोर्ट में जो पुलिसकर्मी और जो चिकित्सक दोषी पाए गए थे उनके निलंबन की कार्रवाई करते हुए पूरे प्रकरण को हम लोगों ने सीबीआई को रेफर किया है और मुझे लगता है कि कल रात्रि में सीबीआई ने विधायक को गिरफ्तार भी किया होगा। अपराध के मामले में और भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलने की जो हमारी प्रारंभ से ही नीति रही है, हमारी सरकार इस मुद्दे पर किसी प्रकार का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगी। अपराधियों से भी, चाहे वह कोई भी हो, कितना बड़ा क्यों ना हो, बहुत सख्ती के साथ निपटने का कार्य करेगी। सीबीआई ने रेप कांड में 3 एफआईआर दर्ज की हैं। रेप कांड की जांच होगी, पिता की मौत भी जांच के दायरे में है। सीबीआई की टीम पीड़ित परिवार से मिलने उन्नाव पहुंची है। उन अफसरों पर शिकंजा कसेगा जिन्होंने सेंगर को 1 साल तक कानून से बचाए रखा। सीबीआई की टीम जिले के एसपी से भी पूछताछ करेगी। जिले के सीएमओ समेत कई डॉक्टरों से भी इस पूरे मामले में पूछताछ की जा सकती है। पिछले साल ही पीड़िता ने पुलिस में शिकायत की थी और अब जाकर 261 दिन की लड़ाई के बाद आज सेंगर की गिरफ्तारी हुई है। जो कहना था सो कह दिया, जो सुनना था सो सुन लिया। अगर अब भी इंतजार है असल खबरों का तो फिर मास्टर स्ट्रोक सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे एबीपी न्यूज पर। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।